विजिबल है सबको? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है भाई मैंने। ठीक है सारे लोग कल है ना अपनी डीपीपीस कंप्लीट करके रखना, जो डीपीपीस तुमको मैंने भेजी थी वो डीपीपीस कंप्लीट करके रखना, उसके बाद अपन है ना कल उनको डिस्कस कर लेंगे, लास्ट आप में अपन उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है। पेपर का लेवल जो रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा, घबराना मत, सभी लोग टेस्ट देना। नेक्स्ट वीक जो भी तुम्हारा टेस्ट होना है, नेक्स्ट संडे होगा शायद, 18th को है ना टेस्ट। मुबासरा स्पेशली तू, क्योंकि तूने लेट एडमिशन लिया है, तो ऐसा नहीं करना कि तू टेस्ट छोड़ दे। ठीक है बेटा टेस्ट जरूर देना। ठीक है अभी अपन ये स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और देखो, मार्क्स जो है ना कम ज्यादा आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे स्कोर होता रहता है, तो मार्क्स को लेकर के कभी भी ऐसे डिप्रेस मत होना, ऐसा नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट होने लगे, ऐसा मत करना। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम्हारे सीनियर्स में, तुम्हारे भाई बहनों में किसी ने नीट का एग्जाम दिया था इस बार? दिया था? से यस और नो। ओके दिया था, तो नीट का पेपर लेकर के देखा, बताओ जल्दी से, क्या नीट का पेपर लेकर के देखा, उसमें से क्या तुम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए कि अपन ने एक टॉपिक पढ़ाया सिर्फ, उस एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं, और क्या तुमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये चीजें आइडेंटिफाई की तुमने? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल जब मैं तुमको डिस्कशन कराऊंगा तो उसमें जो नीट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के, तो वो क्वेश्चंस भी मैं तुमको करा दूंगा। ठीक है तो कल वाली क्लास जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेकेंड हाफ में कराऊंगा स्पेशली, तो उसको मिस मत करना। चलो अभी अपन ये शुरू करते हैं। अच्छा अपन बात कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, ये अपना टॉपिक है अगला, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है, अपने एनसीईआरटी में भी मेंशनड है ये, तो अपना ये नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो सबसे पहले देखो यहां मैंने तुमको डेफिनेशन दी नहीं है, यहाँ पे स्पेशली इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, कौन बताएगा? ठीक है अच्छा, इस चैप्टर में अपन डायग्राम बहुत सारे बनाने वाले हैं और बहुत सारे डायग्राम्स बना बना करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है बोलो जल्दी से, व्हाट इज द डिफरेंस ब्रीदिंग बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है किसी के पास आंसर? चलो ब्रीदिंग की डेफिनेशन बता दो या रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बता दो जल्दी। आदिति, एक्सहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हेल्ड, गड़बड़ है अदिति, और कोई, और कोई भाई? ओके अभी सही है। वन ब्रीथ की भी डेफिनेशन साथ में बता दो, और रेस्पिरेशन में क्या होता है अदिति? हाँ ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया, मतलब दो बच्चों ने बताया, अदिति ने भी आंसर दिया, अभिषेक ने भी आंसर दिया, ब्रीदिंग की डेफिनेशन बिल्कुल सही बोल रहे हो। वन ब्रीथ क्या होता है? प्रॉपर डेफिनेशन आदिति, प्रॉपर डेफिनेशन। ओके आस्था का आंसर, आस्था ये डेफिनेशन किस चीज की है? मुबाशरा एक मिनट, हाँ ये डेफिनेशन किस चीज की है आस्था? रेस्पिरेशन की है या ब्रीदिंग की है? ओके आस्था ये डेफिनेशन गलत है। मुबाशरा तूने हैंड रेज किया था, फिर डाउन क्यों कर लिया? मैं अनम्यूट करने को बोलने वाला था, मुझे लगा शायद आंसर देगी इसलिए हैंड रेस किया है। मुबासरा हैंड रेस कर वापस से, अगर कुछ मतलब बताना है या कुछ पूछना है तो। हाँ बोल, अनम्यूट कर। यस सर, ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस टू द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्सटर्नल प्रोसेस टेकिंग ऑक्सीजन। आगे
नहीं पता? चल कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखो चलो मैं बता देता हूं, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं अपन वेस्ट करने वाले इसमें। देखो ब्रीदिंग को अगर अपन शॉर्ट में बोले तो ब्रीदिंग का जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था कि ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग का मतलब होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। इट्स कॉल्ड टू वन ब्रीद। ये एक ब्रीथ की डेफिनेशन है। वन इनहेलेशन मतलब, वन एक्सहेलेशन मतलब एक बार अंदर सांस लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना, ये होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। इसको अपन बोलते हैं वन ब्रीथ। मतलब ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मीन्स ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ गैसेज एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज दैट सिंपल। ब्रीदिंग में और कुछ नहीं होता, ब्रीदिंग इज दैट सिंपल। अब अपन बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं। हाँ तो जैसे आदिति ने आंसर दिया कि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कुछ कुछ सही है ये, है ना, कुछ गलत है। आस्था ने आंसर दिया था, ब्रीदिंग का आंसर दिया था कि टेकिंग ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। नो, देखो एक चीज तुम अपने कॉमन सेंस से सोच के देखो, क्या हमारे नाक में कोई फिल्टर लगा हुआ है कि जब हम सांस लेंगे तो केवल ऑक्सीजन जाएगी, बाकी कोई गैस नहीं जाएगी? क्या ऐसा है क्या सिस्टम हमारे अंदर? तुम खुद सोच करके देखो। देखो हम जब ब्रीद इन करते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं ना, और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो एयर में सारी गैसेस जा रही है ना, हमारे लंग्स में सारी गैसेस एंटर हो रही है ना, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ट्रेसेस गैसेस हो, ट्रेस में जो गैसेस रहती हैं वो हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे CO2, चाहे कुछ भी हो, सारी गैसेस जा रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपनी नाक में या कहीं अपने फेरिंग्स में कहीं भी कोई फिल्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से गैसेस फिल्टर होकर के अपने लंग्स तक जा रही है और उसमें से केवल ऑक्सीजन फिल्टर होकर के लंग्स तक जा रही है, ऐसा कहीं भी हुआ है क्या? से यस और नो, क्या ऐसा कहीं भी हुआ है? पढ़ा है तुमने ऐसा कहीं? बोलो जल्दी से, ऐसा तुमने कहीं पढ़ा है क्या? बताओ क्या ऐसा तुमने कहीं पढ़ा है? अरे आंसर तो दो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ नहीं पढ़ा ना, तो ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। ठीक है, हमारे लंग्स में सारी गैसेस एंटर करती हैं और लंग्स में जो एल्वियोलाई होती हैं, लंग्स में एयर सैक जिनको एयर बलून भी बोलते हैं, हम आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूं मैं तुमको, उन चीजों से क्या होता है, उन चीजों से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, उनसे O2 डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाती है और ब्लड से CO2 डिफ्यूज होकर के उन एल्वियोलाइज में आती है, वहां पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पर फिल्ट्रेशन होता है गैसेस का, बाकी की गैसेस अपने ब्लड में फिल्टर होकर के नहीं जाती है। तो वो तो खैर अपन आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब अपन बात करें रेस्पिरेशन की, तो आदिति ने एक आंसर दिया था कि इनटेक ऑफ O2 और एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, कुछ सही है। देख फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इनटेक ऑफ O2 नहीं होता है, इनटेक सारी गैसेस का होता है, लंग्स में अंदर जाकर के जो डिफ्यूजन वाली सरफेस होती है वहां जाकर के एल्वियोलाइज जो होते हैं वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में पहुंचती है। ठीक है, वहां से ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज होकर के ब्लड में पहुंचेगी। अच्छा ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगा कि भाई वो ऑक्सीजन जो है कहां तक, सेल्स तक कैरी की जाएगी, और सेल्स में क्या होगा कि उस ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वहां से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट होंगे। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है भाई, रेस्पिरेशन क्या है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन में भी तो हम यही पढ़ते हैं। बोलो बच्चों रेस्पिरेशन की रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, C6H12O6। क्या है भाई, ये ग्लूकोज है, प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। ठीक है, या एनर्जी भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ये कहां होता है, सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं अपन। रेस्पिरेशन की ये जो रिएक्शन है ये कहाँ चल रही है, सेल्स के अंदर चल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, से यस और नो बच्चों, से यस और नो, बोलो जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स।
सभी को समझ में आ रही है? देर आर 16 स्टूडेंट्स विद मी. क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत कम बच्चों का आया है. देखो अभी तक केवल लड़कियों का रेस्पॉन्स आया है, ठीक है. दिशा, आदिति, सेजल, आस्था, मुबाशरा, अभी अभिषेक का आया है. वॉइस में सिर्फ एक बंदे का मेरे पास रेस्पॉन्स आ रहा है. अभिषेक चौधरी का भी आ गया. यहां तक क्लियर है तुमको? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं. तो रेस्पिरेशन क्या है भाई? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ठीक है ना. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या एरोबिक ऑक्सीडेशन लिख लेता हूं. ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर या वाटर इज कॉल्ड एज, ये इज कॉल्ड है ना, ये कॉल्ड का सिंबल है, याद रहेगा, इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर अपन. अब देखो क्या होता है कि देखो हमारे डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की वजह अपन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है. जैसे हम बात करें अगर स्मॉलर एनिमल्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे अमीबा हुआ है ना, बैक्टीरियाज हुए, इनमें रेस्पिरेशन, इवन डाइजेशन और एक्सक्रीशन सारी की सारी इनकी बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से, सेलुलर सरफेस से चलते हैं. क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर सेल्स तो अलग अलग है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तो है नहीं इनके पास भाई. बोलो भाई, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तो इनके पास है नहीं, अलग अलग तो भाई डिफरेंट सेल्स नहीं है तो इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स भी नहीं है रेस्पिरेशन के लिए. तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है? इनका जनरल बॉडी सरफेस. और इनकी जनरल बॉडी सरफेस क्या है? जो सेल की सरफेस है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इनमें एक सेल ही तो, इनमें एक सेल ही तो इनकी सारी बॉडी है, है ना. तो चलो अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो अपन याद भी कर लेंगे, ठीक है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. देखो सबसे पहले अपन बात करें प्रोटिस्ट या बैक्टीरिया की, तो इनके अंदर डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना. इसको अपन क्या बोल सकते हैं? जनरल बॉडी सरफेस. जनरल बॉडी सरफेस ये भी लिख सकते हैं अपन. तो प्रोटिस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट मतलब प्रोटोजोआ, जैसे जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्ट होते हैं. बैक्टीरिया हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन किससे हो रहा है भाई? सीधे सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. पॉरीफेरा हैं. अब देखो पॉरीफेरा क्या होता है? पॉरीफेरा जानते हो तुम लोग? डू यू नो अबाउट पॉरीफेरा? बताओ जल्दी से, डू यू नो अबाउट पॉरीफेरा? क्या होते हैं पॉरीफेरा देवेश? व्हाट आर पॉरीफेरा? बोलो जल्दी से. बिल्कुल 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 जयेश, बिल्कुल सही है. लेकिन मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, स्पंजेस. पॉरीफेरा को अपन स्पंजेस भी बोलते हैं भाई. स्पंजेस होते हैं ना भाई, नोड गिनने के लिए अपन एक वो स्पंज का टुकड़ा रखते हैं, अपने जो बेड होते हैं बेड में, अपना जो पिलो होता है पिलो के अंदर भी स्पंज होता है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, अपन उस पर सर रखते हैं तो वो दब जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, फिर अपन सर हटाते हैं तो वापस से वो पंप अप हो जाता है. वो जो स्पंजेस होते हैं वो सारे क्या है? पॉरीफेरा है. तो स्पंजेस जो है होने को मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है. स्पंजेस क्या है? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से मेंशनड नहीं है. है मतलब मेंशन क्या नहीं है, होता ही नहीं है तो मेंशन कैसे होगा. इनके अंदर भी भाई जनरल बॉडी सरफेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हर सेल इनकी रेस्पायर करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है. इंडिविजुअली इनकी हर सेल रेस्पायर करती है, हर सेल से इनके अंदर रेस्पिरेशन चलता है, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है इनके अंदर हर सेल से चलता है. फिर अपन बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की. सीलेंट्रेट्स जानते हो क्या होता है? सीलेंट्रेट्स का बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जानते हो? वॉट आर सीलेंट्रेट्स? बताएगा कोई?
What are sealant traits? बोलो जल्दी से. चलो मैं बता देता हूं. हाइड्रा का नाम सुना है? हाइड्रा का नाम सुना है? कैप्टन अमेरिका देखी है किसी ने? कोई हॉलीवुड मूवीज देखता है क्या? मार्वल की? तुम लोग यार रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो आज? अच्छा नहीं लग रहा? यस अभिषेक, वही हेल हाइड्रा. हाइड्रा की जय. वही 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 उनका देखो सिंबल भी वही था. हाइड्रा का हाइड्रा बना रहता है उनके, उस पे सिंबल भी वही था, है ना? तो हाइड्रा जो एक सीलेंट रेट है, ठीक. और हाइड्रा के अंदर क्या होता है भाई? हाइड्रा के पास भी कोई अलग से बॉडी ऑर्गन नहीं है. हाइड्रा भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, पर उसके पास भी अलग से कोई ऑर्गन नहीं है. मुवासरा देखी है तूने भी? हाँ. तो हाइड्रा के पास अलग से कोई बॉडी ऑर्गन नहीं होता, रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता. इसके अंदर भी जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होता है. तो देखो, देखते जाओ. एक दो तीन, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये चार अपन ने अभी तक पढ़े. इन चारों में जनरल बॉडी सरफेस से इनके अंदर क्या हो रहा है भाई? रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है. इसके बाद इनसे हायर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है. इनके अंदर क्या होता है भाई? प्लेटी हेलमेंथीस के अंदर बताओ जल्दी से. प्लेटी हेलमेंथीस जानते हो? प्लेटी हेलमेंथीस जानते हो? टेप वर्म का नाम सुना है तुम लोगों ने? टेप वर्म. एग्जैक्टली, फ्लैट वर्म, टेप वर्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो प्लेटी हेलमेंथीस जो होते हैं, फ्लैट वर्म या टेप वर्म, ठीक है, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा है भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन है. टेप वर्म जानते हो ना सारे? टेप वर्म या फ्लैट वर्म जानते हो? इन्फेक्शन करते हैं ये. देखो, इनके अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इनके पास भी कोई अलग से ऑर्गन नहीं है. इनकी बॉडी वॉल जो होती है ना, उसी से ये रेस्पिरेशन करते हैं. एक मिनट. थ्रू बॉडी वॉल. रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है इनका? बॉडी वॉल, ठीक है. इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, उसी से ये रेस्पायर करते हैं. इनके पास भी कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता. ये भी दे ऑल्सो लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. इसके बाद आते हैं निमेटोड्स, ठीक है. निमेटोड्स में किस चीज से होता है भाई रेस्पिरेशन? निमेटोड्स के बारे में बताओ भाई. निमेटोड्स में किस चीज से होता है रेस्पिरेशन भाई? एनारोबिक तो होता है, समझ में आया, पर होता किस चीज से भाई? कोई ऑर्गन है क्या इनके पास? बोलो जल्दी से. तुम लोग यार रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे रेस्पॉन्स का वेट करता हूं. समझ ही नहीं आता मुझे क्या हो, क्या चक्कर चल रहा है आज. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताओ पहले तो. तुम लोग मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? से यस और नो. हेलो, ओके, ठीक है. अच्छा, प्लेडी एलमेंटीज में एक चीज और बताता हूँ. इनके अंदर फ्लेम सेल्स भी होती हैं. स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स, जो किडनी की तरह फंक्शन करती हैं. इनको सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. ये फ्लेम सेल्स वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है. समझ में आया?
फ्लेम सेल्स का क्वेश्चन बहुत स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। देखो एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो नहीं होता इनके अंदर, लेकिन स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। और सॉरी 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 गलती हो गई भाई, फ्लेम सेल्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, मैं रेस्पिरेशन में एक्सक्रेटरी कहां ले आया, सॉरी एक मिनट। एक दूसरा बैच है उसमें पता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन चल रहा है, इसलिए मैंने ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन लिख दिया यहाँ पर। सॉरी हाँ, यहाँ पे देखना बॉडी सेल्स, निमेटोड्स में अभी भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन बॉडी सेल्स से चल रहा है, एनालिट्स में रेस्पिरेशन चलता है स्किन से। एनालिट्स का एग्जांपल जानते हो भाई, एक तो लीचेज है, दूसरा अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। अर्थवॉर्म में कैसा रेस्पिरेशन होता है, इसमें रेस्पिरेशन जो होता है स्किन से होता है, इनको बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। कुटेनियस रेस्पिरेशन, कुटेनियस रेस्पिरेशन समझते हो भाई, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से समझते हो भाई, बिल्कुल डिफ्यूजन होता है अभिषेक, लेकिन डिफ्यूजन कैसे होता है भाई, स्किन के थ्रू डिफ्यूजन होता है इनके अंदर। कुटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है मॉइस्ट स्किन से, इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन होती है। मॉइस्ट स्किन का मतलब इनकी स्किन में नमी होती है, वॉटरी स्किन होती है इनकी। देखो क्या होता है कि अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अर्थवॉर्म के आसपास तुम है ना नमक लेना, सॉल्ट लेना, सॉल्ट डालना, तो वो नमक से दूर भागेगा। तुम थोड़ा सा नमक डालोगे उसके पास, उसके ऊपर मत डाल देना नहीं तो मर जाएगा वो, उसके पास थोड़ा सा नमक डालना, वो नमक से दूर भागेगा। और कहीं अगर तुमने उसके ऊपर नमक डाल दिया तो वो मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है जानते हो ऐसा क्यों होता है, बोलो जल्दी से, क्या कोई जानता है ऐसा क्यों होता है? मना कर रहे हैं सभी लोग। देखो एक चीज बताता हूं तुमको कि इनके अंदर रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, मॉइस्ट स्किन से, मतलब इनकी जो मॉइस्ट स्किन है, जो गीली स्किन है इसकी, उसके थ्रू जो भी गैसेस हैं वो डिफ्यूज होकर के इनकी बॉडी में जा रही हैं। एनवायरमेंट से बॉडी गैसेज इनकी स्किन के थ्रू डिफ्यूज होकर के इनकी बॉडी में जा रही है। बोलो बोलो, अदिति का आंसर बिल्कुल सही है, अदिति का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अदिति थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तेरा आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो जाती है भाई, अब क्या होता है कि तुम्हें पता है सॉल्ट एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तुम देखो अपने घरों में अपन डब्बियों में नमक भर के रखते हैं सैलेड में डालने के लिए, या कभी सब्जी में नमक कम लगता है तो अपन अपने घर में डब्बियों में नमक भर के रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो बारिशों में तुमने देखा होगा वो सारा गीला हो जाता है, चिपक जाता है आपस में, गीला गीला हो जाता है। हाँ या ना, मैं बोलते रहो भाई, हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सॉल्ट क्या करता है, अपने आसपास से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और आसपास की चीजों में से मॉइस्चर को खींच करके अपने अंदर ले आता है वो, ऐसा होता है उसमें। तो अब क्या होगा, जैसे अपन ने अर्थवॉर्म की इसके ऊपर अपन ने नमक डाल दिया, तो क्या करेगा, अर्थवॉर्म की स्किन से सारा का सारा जो पानी जो है ना वो क्या करेगा, सारा का सारा वाटर जो है उसकी सारी की सारी मॉइस्चर वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही अर्थवॉर्म की स्किन से उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अर्थवॉर्म की स्किन हो गई ड्राई, और ड्राई स्किन से वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, ड्राई स्किन से उसके अंदर गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया, ड्राई स्किन से उसके अंदर गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा तो उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वो बेचारा मर जाएगा, दम घुटने की वजह से वो मर जाएगा। समझ में आ गई बात, बोलो बात समझ में आई? इसलिए देखो अपनी जो सॉइल होती है ना, उस सॉइल का पीएच भी ज्यादातर एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। अगर सॉइल का पीएच बेसिक हो गया, या फिर अगर सॉइल का पीएच न्यूट्रल हो गया, वो सॉल्ट बन गई, तो अर्थवॉर्म मर जाएगा उसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई है, आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी भाई, ठीक है। अच्छा तो ये पूछा जाता है, मॉइस्ट स्किन वाला पूछा जाता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं तुमको, जो फ्रॉग होते हैं ना एम्फीबियंस, फ्रॉग जो है एम्फीबियंस हैं, उनके पास लंग्स और मॉइस्ट स्किन दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब वो पानी के अंदर रहते हैं, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, कुएं में, पानी के अंदर जब वो डूबे हुए रहते हैं तब वो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, और जब वो पानी के बाहर आ जाते हैं तो वो लंग से रेस्पायर, ठीक है, क्लियर है बात, बोलो आगे बढ़े। ओके चलो आगे चलते हैं।
इसके बाद अपन नेरिस की बात करते हैं। नेरिस के अंदर ये सब एनालिट्स के एग्जांपल हैं। नेरिस की अगर अपन बात करें तो नेरिस के अंदर पैरापोडिया होते हैं, स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। ये पूछा जाता है सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्वेश्चन में यही नाम आता है, नेरिस के अंदर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो वो है पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोपोड्स की। तो ऑर्थोपोड्स में इंसेक्ट्स आते हैं, सेंटीपीड्स आती हैं, मिलीपीड्स आती हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं। ऑर्थोपोड इस दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम में। अगर अपन बात करें, पढ़ेंगे भी आगे, मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ जब सिमी मैम तुमको थोड़ा सा एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देंगी, उसके बाद अपन एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। और एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम है जिसको अपन बोलते हैं इंसेक्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है क्योंकि इसके सॉरी एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है क्योंकि इसके अंदर एक क्लास आती है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है, इसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज मिलती है एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, तो जब अपना शुरू होगा तब मैं बताऊंगा, तब तक याद रखो भाई इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, क्रस्टेशियन, ये सब ऑर्थोपोड्स के मेंबर है। ठीक है, अच्छा, इंसेक्ट्स के अंदर और इन सबके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, ट्रैकिया होगा। इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, इन सबके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है भाई, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब इनके अंदर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपना ये ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इनकी पूरी बॉडी में गैसेस का सर्कुलेशन होता है। समझ पा रहे हो बात को, बात समझ में आई, जल्दी बोलो क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अपने पास 10 मिनट बचे हुए हैं, मैं लेक्चर रीस्टार्ट करूंगा, इमीडिएटली रीस्टार्ट करूंगा, कोई ब्रेक नहीं है, सारे लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, आगे अपन बात करें तो देखो ये सब भी इंसेक्टा के मेंबर हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टेक्स, माइट्स, इनके अंदर होते हैं बुक लंग्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पता क्वेश्चन कैसे आता है भाई, स्कॉर्पियन या स्पाइडर का एग्जांपल लेते हैं, इन स्कॉर्पियन या इन स्पाइडर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, तो आंसर आएगा बुक लंग्स। अब बुक लंग्स क्या होते हैं भाई, बुक लंग्स क्या होते हैं, देखो बुक लंग्स जो है लंग्स, लंग्स जैसे ही होते हैं लेकिन उनकी शेप जो एक खुली किताब की तरह होती है। सपोज ये एक बुक है, तो एक बुक को अगर अपन फोल्ड करके रखते हैं तो वो अपने को ऐसी दिखती है ना, मोटी मोटी ऐसे कई सारे पेजेस दिखते हैं इस तरीके से, जैसे इसमें दिख रहे होंगे तुमको, तो ये बुक लंग्स की तरह होते हैं भाई। उनके जो लंग्स होते हैं उनका अपीयरेंस कैसा होता है, बुक जैसा उनका अपीयरेंस होता है। समझ में आई बात, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, बुक लंग्स बोलते हैं। आगे अपन बात करें क्रैब, क्रैब भी ऑर्थोपोडा का मेंबर है लेकिन क्रैब को क्रस्टेशिया बोलते हैं अपन। ठीक है, क्रैब के अंदर क्या होते हैं, बुक गिल्स, जैसे बुक लंग्स बुक की तरह दिखते हैं उसी तरह के गिल्स भी बुक की तरह के दिखते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बुक गिल्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके अंदर क्या होगा भाई, गिल्स होंगे या फिर स्किन होगी, रेस्पिरेटरी होगा। जैसे प्रॉन, यूनियो, पाइला, ये सब क्या है भाई, ये सब सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है भाई, गिल्स होती है। तुम फिशेज, टेडपोल्स किसी की बात करो, इनके अंदर सबके अंदर क्या है, गिल्स है। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, इकाइनोडर्मेटा मींस स्टारफिश इज द एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेटा, है ना। इनके अंदर क्या होता है भाई, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्यूब फीड। ये पूछा जाता है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ट्यूब फीड वाला। ठीक है, ये सारी चीजें तुमको अभी तो तुमको केवल याद करना है कि भाई किसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो भी सारे याद नहीं करने, मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट वो याद कर लेना, फिर जब अपन वो पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में तुमको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद करना भाई, इकाइनोडर्मेटा एग्जांपल है इसका स्टारफिश, स्टारफिश के अंदर ट्यूब फीट होता है। ठीक, फिशेज, फ्रॉग्स, टोड्स, इनके अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स के अलावा इनके अंदर और लंग्स भी होते हैं, और फ्रॉग्स और टोड्स के अंदर स्किन और लंग्स होते हैं, फिशेज और टेडपोल्स के अंदर गिल्स होते हैं। अच्छा, टेडपोल क्या होता है जानते हो भाई, टेडपोल क्या होता है, टेडपोल क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो, व्हाट इज टेडपोल, टेडपोल नहीं पता, अरे बोलो,
खाना तो करो, किसी को भी नहीं पता। तुम सो जाते हो यार क्लास शुरू करके, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। आज तो आस्था भी नहीं बोल रही है। देखो टेडपोल होता है लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग। यस सीधे लिखूं, लार्वा ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के लार्वा को अपन क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, लार्वा क्या होता है? लार्वा इज अ स्टेज ऑफ, इज अ डेवलपमेंटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तब वो इनके अंदर क्या बनता है? पहले लार्वा होता है, लार्वा बनता है। लार्वा क्या है? इनके लार्वा को अपन बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, इनके अंदर भाई डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है? एम्ब्रियो सीधे डेवलप होकर के ह्यूमन बेबी ही बॉर्न करता है। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होता है और सीधे जन्म कौन लेता है? ह्यूमन बेबी, ह्यूमन ह्यूमन बेबी जन्म लेता है। इनके अंदर क्या होता है कि भाई एम्ब्रियो डेवलप होता है, डेवलप होकर के लार्वल स्टेज बनाता है। वो लार्वल स्टेज जो है, थोड़े टाइम तक वो लार्वल स्टेज वैसी की वैसी रहती है। फिर उस लार्वल स्टेज में डेवलपमेंट होते हैं और फिर जाकर के इनमें एडल्ट बनता है। ठीक है, तो फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं भाई? टैडपोल। तो फ्रॉग के लार्वा और सॉरी टैडपोल और फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और फ्रॉग और टोड जब वो फ्रॉग बन जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? लंग्स और स्किन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद अपन बात करते हैं भाई रेप्टाइल्स और मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर लंग्स होते हैं। ठीक है, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर भी लंग्स होते हैं, एयर सैक और लंग्स होते हैं। ठीक, लंग फिश की बात करें, लंग फिश जानते हो? डू यू नो अबाउट लंग फिश? लंग फिश के बारे में जानते हो बच्चों? लंग फिश के बारे में जानते हो क्या? देखो एक फिश होती है जिसको तुम पानी से बाहर निकाल लोगे ना तो उसके ब्लैडर में एयर भर जाती है और वो थोड़ी देर तक जिंदा रहती है पानी के बाहर भी। एक फिश होती है जो पानी के बाहर थोड़ी देर के लिए जिंदा रह लेती है। उस फिश को अगर तुम बाहर निकालोगे तो उसकी जो गिल्स होती है, गिल्स के आसपास ऐसे फूल जाता है, एयर ब्लैडर होता है वो फूल जाता है। वो क्या करती है? उस एयर ब्लैडर में वाटर को स्टोर कर लेती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं लंग फिश। तो लंग फिश के अंदर ब्लैडर, एयर ब्लैडर होता है भाई रेस्पिरेशन के लिए। तुम उसको पानी से बाहर भी निकाल लोगे तो थोड़ी देर के लिए वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, इसके बाद भाई अपन यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो ये सारी बातें, बाकी ये सारी चीजें अपन जो है ना मॉलस्क और बात कर लेते हैं। मॉलस्क में होता है मेंटल, मेंटल इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अच्छा मॉलस्क जानते हो भाई? मॉलस्क क्या होता है भाई? डू यू नो अबाउट मॉलस्क? मॉलस्क जानते हो? मॉलस्क क्या होते हैं? मॉलस्क होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है ना। स्नेल है, स्नेल भी एक मॉलस्क है। बिल्कुल, स्नेल भी क्या है? मॉलस्क है। तो इनके अंदर क्या होता है? मेंटल एक ऑर्गन होता है जिसको अपन बोलते हैं मेंटल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये सारे तुमको याद करने हैं, जो मेन मेन मैंने तुमको बता दिए। जैसे मॉलस्क याद कर लेना, लंग फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स, फ्रॉग, फ्रॉग, टोड्स, फिशेज एंड टेडपोल्स, ये तो सारे याद करोगे ही करोगे। उसके अलावा यहाँ पर तुमको याद करना है किंग क्रैब का, यहाँ पर स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन याद करना है। ठीक है, यहाँ पे तुमको याद करना है प्रोटेस, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। इन सब में एक ही है भाई, जनरल बॉडी सरफेस। उसके बाद अपन बात करेंगे हाइड्रा, मतलब हाँ यहाँ तक सीलेंट्रेटा तक तो हो गया ना। इन सब में क्या है भाई? जनरल बॉडी सरफेस। प्लेटी, एलमेंथिस, निमेटोड्स, इनमें भी जनरल बॉडी सरफेस है, चाहो तो छोड़ सकते हो इनको। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है अर्थवॉर्म और लीचेस, इनके अंदर मॉइस्ट स्किन है, कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इनके रेस्पिरेशन को। नेरिस में पैरापोडिया होते हैं। उसके बाद इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, इन सब में क्या है भाई? ट्रैकिया है। उसमें भी इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसेक्ट पूछ लिया जाता है। इंसेक्ट में पता है क्या करेगा? डायरेक्ट इंसेक्ट नहीं पूछता, तुमको एग्जाम्पल दे। जैसे तुमको बोल दिया कॉकरोच, पूछेगा भाई कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो तुमको आंसर क्या देना है भाई? ट्रैकिया देना है। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी चीजें क्लियर हैं? अगर ये सारी चीजें तुमको क्लियर हैं तो मैं अब आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल, स्पाइरिकल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स में ही होते हैं वो स्पाइरिकल्स, ट्रैकियल सिस्टम, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स दरअसल, स्पाइरिकल्स क्या होते हैं अभिषेक, स्पाइरिकल्स आर द पोर, वो जो छेद होते हैं ना, जिन छेद के थ्रू उनके अंदर, उनके ट्रैकिया में एयर एंटर करती है। जैसे सपोज ये पूरी एक बॉडी है, चलो डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पूरी एक सपोज किसी कीड़े की बॉडी है, तो इस कीड़े की बॉडी में क्या है, इस तरीके से ऐसे करके ट्यूब रहती है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं इसके अंदर। ये जो ट्यूब बाहर जो खुले हुए हैं यहां पर, इन चीजों को अपन बोलते हैं स्पायरिकल्स। और ये क्या है भाई, ट्रैकिया, समझ गए भाई, समझ में आया। देखो अपने पास लेस देन अ मिनट है, मैं इमीडिएटली स्टार्ट करूंगा, 1 मिनट के, 1-2 मिनट के गैप में मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई कहीं जाएगा नहीं, सबको यहीं रहना है, ठीक है, सारे लोग ज्वाइन करेंगे। ओके सारे लोग आपस से ज्वाइन करेंगे। मैं दोबारा आ रहा हूं, देखो ये एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है, ये तो ये एक ह्यूमन बॉडी बनाई हुई है। मैं अब इस चीज, इसमें देखो अच्छे से समझना, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, कमर से ऊपर तक का, यहां तक का ये जो पोर्शन है अपने, यहां से लेकर के गर्दन वाले हिस्से से लेकर के और कमर के ऊपर तक का जो पोर्शन, अपनी वेस्ट से ऊपर तक का ये जो पोर्शन रहता है ना, मिनट, अपनी यहां से लेकर के, और हाँ लंग्स तक का जो पोर्शन है, यहाँ पर अपने लंग्स होते हैं, बीच में डायफ्राम होता है भाई, एक यहाँ पे डायफ्राम होता है, एक ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है भाई, जो अपना लंग्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अपने लंग्स पड़े हुए हैं, है ना, उस पूरे पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं भाई, थोरेसिक कैविटी। अब इस थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, अपने लंग्स होते हैं भाई, अपने लंग्स पड़े हुए हैं, लेवलिंग थोड़ी अच्छे से करते हैं ना, ये क्या, आपने लंग्स पड़े हुए हैं थोरेसिक कैविटी में। अच्छा, तो और जो थोरेसिक कैविटी का जो फ्लोर होता है, सबसे नीचे वाला ये जो पोर्शन है थोरेसिक कैविटी का, ये एक मॉस्कुलर बैंड होता है, इस मॉस्कुलर बैंड को हम क्या कहते हैं, बताएगा कोई, इस मॉस्कुलर बैंड को हम क्या बोलते हैं, बहुत सही, DIPHGR, डायफ्राम, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डायफ्राम बोलते हैं। उसके अलावा नीचे ये जो अब बच गया, ये सब, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे अपना स्टमक पड़ा हुआ है, अपनी इंटेस्टाइन, अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या है भाई, वो पूरा का पूरा क्या है, इसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। MENL होती है शायद, एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, इन तीनों चीजों को मिलाकर के क्या बनती है, अपनी सीलोम, सीलोम को बोलते हैं अपन बॉडी कैविटी। तो अब मेरे कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, अपनी जो बॉडी कैविटी है, अपनी जो बॉडी कैविटी है, वो अपनी बॉडी कैविटी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक तो हो गई थोरेसिक कैविटी और एक हो गई एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में जो सेपरेट कर रहा है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखो यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, नोट्स तुम बनाओ, बनाई लोगे, कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना,
सीलोम। सीलोम क्या होती है भाई, ब्रैकेट में लिखता हूं, सीलोम क्या चीज है भाई, बॉडी कैविटी। ठीक है, ये बॉडी कैविटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, थोरेसिक कैविटी, प्लस एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों कैविटी, अच्छा थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक दूसरे से सेपरेट किससे रहती है भाई, डायफ्राम के थ्रू। डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको अपन फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया? ओके, आगे चलूं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, स्पीड तेज तो नहीं है, स्पीड ठीक है ना, तेज तो नहीं लग रही स्पीड। चलो आगे देखते हैं फिर। देखो अब क्या होगा, देखो तुम्हें पता है कि भाई रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है और रेस्पिरेशन क्यों होना चाहिए, ये चीज तुम्हें पता है। देखो तुम्हें ये मालूम हो कि अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था भाई, स्टमक, ऐसे करके अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था एक। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा था यहाँ पे भाई, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा था भाई, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम था ये। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जैसे यहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया भाई, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब है यहाँ पर, और दूसरी चीजें प्रोटीन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड है। अब क्या होगा भाई, वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आया भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज को जी से लिख रहा हूं, एब्जॉर्ब होकर के कहां आया, अपनी ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, अभी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ बताया नहीं मैंने। ग्लूकोज कहां आ गया, एब्जॉर्ब होकर के अपनी ब्लड वेसल्स में आ गया। अब ग्लूकोज क्या करता है भाई, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, अपनी बॉडी सेल्स को। तो ये ग्लूकोज कहां तक ट्रेवल होगा भाई, ये ग्लूकोज ट्रेवल होकर के कहां तक पहुंच जाएगा, अपनी बॉडी सेल्स पे, यहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक ये ग्लूकोज चला जाएगा। बोलो जल्दी से, ये ग्लूकोज कहां आ गया भाई, यहां पर आ गया ग्लूकोज, इसके साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ करके ये क्या बनाएंगे भाई, एटीपी प्लस CO2, ये चीज होगी भाई सेल के अंदर, ये चीज होगी। तो अब एक चीज बताओ, ग्लूकोज तो यहां पर आ गया सेल के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन कहां से आएगी भाई इस सेल के पास, अब रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो ऑक्सीजन कहां से आएगी इसके पास, सेल के पास वो कहां से आएगी भाई, वो आएगी अपने लंग्स के थ्रू, वो अपने लंग्स के थ्रू आएगी भाई। यहां से क्या हुआ भाई, यहां से क्या हुआ, यहां पे जो ऑक्सीजन थी, O2 थी, वो आ गई अपनी ब्लड वेसल में। ठीक है, और वो O2 कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो ग्लूकोज भी यहां आ गया, ऑक्सीजन भी यहां आ गई। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या करेंगे, एटीपी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो एनर्जी अपनी बॉडी के काम आएगी, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के काम आएगी। तो इस तरीके से अपने लिए रेस्पिरेशन जरूरी है।
समझ में आया या नहीं आया बोलो यहाँ तक, हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों जरूरी है, व्हाई रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये बात समझ में आई? यार तुम लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, आज क्या चक्कर है? वैसे तो करते हो। ओके ओके सॉरी हाँ कुछ काम आ गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना सबको रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों चाहिए हमको, है ना? तो मतलब अब यहाँ पर तुम देखोगे कि भाई न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने पास क्या है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम है। गैसेस के लिए अपने पास फिर क्या, किस चीज की जरूरत पड़ गई अपने को, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ गई। न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या अपने पास, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ये सारे सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने को क्या मिल जाएगा भाई, ग्लूकोज, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन वो ग्लूकोज एनर्जी कब प्रोड्यूस करेगा, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर है यहां तक आगे बढ़े। ठीक है, बाकी ब्रीदिंग की मैंने तुमको बात बताई थी भाई, वन ब्रीथ इक्वल टू क्या है भाई, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ठीक है, अच्छा, जो एयर हम लेते हैं उस एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारी इनहेल्ड एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। और एक्सहेल्ड एयर में कितनी ऑक्सीजन होती है भाई, कम होगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी, बताओ, कम होगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी, एक्सहेल्ड एयर में कम होगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी, ये भी बता दो। अदिति का आंसर है नहीं होगी, आस्था के भी आंसर है नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, उसके अंदर कम होती है पर उसके अंदर कम होती है, क्योंकि अपन जो एयर ले रहे हैं उसमें से 100% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती है, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, बाकी बाहर छोड़ दिया। ठीक है, परसेंटेज कम होता है, हाँ लगभग 14 से 16%, आई थिंक 16% के आसपास ऑक्सीजन जो है हमारी एक्सहेल्ड एयर में होती है, 4 से 5% ऑक्सीजन जो है हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद आगे बताता हूं तुमको। अरे यार ब्लैंक स्लाइड्स खत्म हो गई, एक मिनट, ब्लैंक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, आज के लेक्चर में क्या था कि डायग्राम बहुत हैं और डायग्राम भी ऐसे हैं कि भाई वो गूगल गूगल पे मिलते नहीं, कम मिलेंगे गूगल पे, इसलिए भाई मैंने ब्लैंक स्लाइड डाली हुई थी।
एक मिनट, हाँ इसके बाद जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, शायद मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था ना, उसमें मैंने तुमको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया भी था ये। अच्छा तब तक अपन बात कर लेते हैं, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ, तब तक अपन बात कर लेते हैं। मुझे एक चीज बताओ कि जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन्स क्या है? व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग? बोलो। आंसर दो भाई। लोग यार आज आंसर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या चक्कर है? रीजन क्या है? अच्छा देखो, आ गया आंसर। आस्था ने बोला, आस्था ने कुछ नहीं बोला अभी। सेजल बोल रही है लंग्स, अभिषेक बोल रहा है नोज, आस्था बोल रही है एल्वियोलाई ट्रेकिया लंग्स। देखो लंग्स का ही पार्ट है ये सारी, एल्वियोलाई वगैरह लंग्स का ही पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होते हैं अपने में, वो होते हैं लंग्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? लंग्स। और लंग्स में भी होती है एल्वियोलाइज, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो कहाँ चलता है? वो एल्वियोलाइज पे चलता है। मैं तुम्हें बस अभी वही बताने वाला हूँ एक्चुअली। क्या कि स्लाइड जो है, ब्लैंक स्लाइड थोड़ी सी कम पड़ गई, ये ब्लैंक स्लाइड्स और ऐड कर दूं, ये थोड़ा सा दिक्कत स्लो कर रहा है, सिस्टम स्लो काम कर रहा है। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। लो देखो, चलो देखो, देखना यहाँ पे, ये शायद मैंने तुमको पहले भी बताया था, जब 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 अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। ये क्या है भाई? अपनी नोज है ना। ये क्या है भाई? ह्यूमन की नोज है। ठीक, ये है इंटरनेजल, सॉरी ये है पैलेट। ये चीज क्या है भाई? पैलेट। पैलेट जानते हो भाई? पैलेट समझते हो? ना, डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है। डायग्राम थोड़ा गंदा सा बन रहा है, समझ जाना। ठीक है, समझ जाओगे ना तुम? ठीक है, ह्यूमन का डायग्राम बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे, और ये डायग्राम थोड़ा सा क्या बन रहा है भाई? गंदा बन रहा है। देखो ये नोज है, इसको अपन बोलते हैं नेजल कैविटी।
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नेजल कैविटी, है ना। ये जो है ये क्या है भाई, पैलेट है भाई, पैलेट की हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं पर फिर भी मैंने मार्क कर दिया, ये क्या भाई पैलेट है। तो ये क्या अपनी इंटरनेजल कैविटी, इंटरनेजल कैविटी मतलब देखो, अच्छा मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया और मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखो क्या होता है, अपन सांस लेते हैं तो एयर ट्रेवल करती है, देखो ये पूरे पोर्शन से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचती है एयर, इस वाले पूरे पोर्शन से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचती है, ये क्या अपनी नेजल कैविटी है। ठीक है, ये चीज क्या है, वो अपनी नेजल कैविटी है। ठीक है, अब आगे देखोगे नेजल कैविटी की जो सबसे बाहर की ये जो ओपनिंग होती है, नेजल कैविटी की सबसे बाहर की ये जो अपने नाक के जो छेद जो जो तुमको दिख रहे हैं जिससे एयर अंदर जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स, बात समझे, नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर। ठीक है, ठीक। अच्छा अब क्या होगा, अपनी जो एयर कैविटी है ये है भाई ओरल कैविटी अपनी, ठीक है। अब तुम एक चीज देखोगे यहां पे, अपनी जो एयर कैविटी और ओरल कैविटी दोनों एक जगह आकर के मिल गई, इस जगह को हम क्या बोलते हैं भाई, फेरिंग्स बोलते हैं। ये चीज तो मैंने तुमको डाइजेशन में भी बताई हुई है, ठीक है। अच्छा यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रही है तुमको, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं भाई, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं विला, UVULA, यू साइलेंट होता है इसमें, इसको अपन क्या बोलते हैं विला। अच्छा ये क्या काम करता है, जब हम कुछ खा रहे हैं जब हम कुछ निगल रहे हैं तो वो हमारे नेजल पैसेज में ना चला जाए, उसके उसके लिए क्या क्या होता है भाई, यहाँ पे विला होता है। ये क्या करेगा, जब हम कुछ निगल रहे होंगे ना तो ये अपने नेजल पैसेज को क्लोज कर देगा, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ आ जाएगा और ऊपर की तरफ आकर के क्या करेगा, इस पैसेज को पूरे को क्लोज कर देगा। क्लोज कर देगा तो क्या होगा भाई, खाना जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, खाना जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं व्यूला। व्यूला क्या करता है भाई, क्लोज द नेजल पेसेस। नेजल पेसेस को क्या करेगा भाई, ये क्लोज कर देगा, जब अपन कुछ खाना वाना निकलेंगे अपन पानी पिएंगे तो जिससे वो भाई अपनी नाक के अंदर ना आए, ठीक है। ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोगों को। अब इसके बाद अपन बात करेंगे, ये अपना फेरिंग्स, फेरिंग्स के अपने होते हैं तीन पार्ट्स, फेरिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स के अपने होते हैं तीन पार्ट्स, कौन कौन से तीन पार्ट्स बताओगे भाई, कोई बताएगा जल्दी बोलो, कोई बताएगा फेरिंग्स के तीन पार्ट्स, आस्था जो बच्चे शुरू से यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने डाइजेशन की क्लास ली हुई है उनको आना चाहिए, आस्था और कौन है भाई शुरू से यहाँ पे मेरे साथ, ओके अदिति, लेकिन ये तो एक ही बताया तूने, तीनों बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और एक लैरिंजोफेरिंग्स, बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया, और एक लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के तीन पार्ट है। अच्छा फेरिंग्स कौन सा पोर्शन है, फेरिंग्स है वो पोर्शन है यहाँ पर नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों की ओपनिंग है, ये बक्कल कैविटी है अपनी, बक्कल या ओरल कैविटी, मानते हो उस बात को, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों जहां पर एक एक साथ ज्वाइन हो गई उसको हमने क्या बोला भाई, फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट है, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लैरिंजो फेरिंग्स, ठीक है। नेजो फेरिंग्स जो अपनी नेजल कैविटी का जो लास्ट पार्ट है, ये वाला दूसरे कलर से बनाता हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, नेजो फेरिंग्स, ठीक है। इस पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक। हेलो आवाज आ रही है मेरी भाई, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है, से यस और नो,
आ रही है ना? हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था वो अपने आप ही, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी तो डिस्कनेक्ट हो गया। आगे देखो, अच्छा, ओरोफेरिंग्स ये नेजो फेरिंग्स, समझ में आ गया होगा, ये ओरो फेरिंग्स, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमको समझना है लैरिंजो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स क्या है। तो देखो यहां पर क्या होता है, इधर की बात बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या होता है कि अपना ये जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है भाई, आगे क्या चल रहा है भाई, फेरिंग्स यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ पे फेरिंग्स खत्म हुआ है, यहाँ पे ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस किस पार्ट्स में, ओरो फेरिंग्स, नेरो फेरिंग्स और लैरिंजो फेरिंग्स। लैरिंजो फेरिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, ठीक है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, ठीक, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। थोड़ा सा गलत बन गया, एक मिनट रुकना। ठीक है, स्मूथ स्क्रीन है ना थोड़ा, तो उस पर क्या है कि डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो अब, देखो अब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चला गया, इतना बड़ा होता नहीं है, ये छोटा सा ही होता है। खैर खैर, अपने को तो समझने से मतलब है तो अपन समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन बोल रहे हैं लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं भाई, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लैरिंग्स की जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, लैरिंग्स की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं भाई, लैरिंग्स, सॉरी, लैरिंग्स की ये जो ओपनिंग है, ये अंदर वाला ये पोर्शन क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स की ये जो ओपनिंग है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है भाई, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। अच्छा, ग्लॉटिस की जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं भाई, एपिग्लॉटिस। ये करती क्या है भाई, एपिग्लॉटिस क्या करती है भाई, कि जब अपन कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब अपन निगल रहे हैं, तो ये क्या करेगी, जैसे ये अपना ग्लॉटिस, ये अपना वॉइस बॉक्स है पूरा, इस वॉइस बॉक्स की ये जो ओपनिंग है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, जब अपन कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये इसको बंद कर लेगी, ये इसको बंद कर लेगी, तो भाई अपने विंड पाइप में, क्योंकि यहां से आगे क्या शुरू हो चुका है अपना, विंड पाइप, ये क्या है अपना, विंड पाइप, ठीक है। ये चीज क्या है अपनी भाई, विंड पाइप। तो अपने विंड पाइप में खाना या पीना ना चला जाए, अपना खाना या पानी ना चला जाए, तो उसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं विंड पाइप। अच्छा, अब तुमको समझ में आया होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लैरिंजो फेरिंग्स। यहां तक बात समझ में आई, अभी एक बार और रिपीट कर दूंगा, इसको अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इस ये जो अपना वॉइस बॉक्स है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। उन मसल्स के वाइब्रेशन की वजह से अपनी वॉइस निकलती है, पर्टिकुलर वॉइस। देखो मेरी वॉइस अलग है, तुम्हारी
तुम लोगों की वॉइस अलग है, एक लड़के की और एक लड़की की वॉइस को अगर अपन कंपेयर करें तो वो अलग होती है। तो इनमें जो मसल्स लगे रहते हैं छोटे छोटे पतले पतले है, मतलब वायर जैसे मसल्स होते हैं, मॉस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन मॉस्कुलर स्ट्रक्चर से जब अपनी एक्सपायर्ड एयर, जो एयर अपन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, वो एयर जब टकराती है तो अपनी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तुम लोग एक काम करो, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे करके अंदर की तरफ सांस लो और उस टाइम कुछ बोलने की कोशिश करो। करना जरा, सारे लोग अंदर की तरफ सांस लेते हुए कुछ बोलने की कोशिश करो। देखो कोई कुछ बोल पाती हो क्या? ऐसे करके अंदर की तरफ सांस लेते हुए कुछ बोलने की कोशिश करो, इनहेल करते हुए कुछ बोलने की कोशिश करो। क्या तुम लोग बोल पा रहे हो? नहीं बोल पाते ना? बिल्कुल सही बात है दीदी, कोई भी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अपनी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है जब अपन एक्सहेल करते हैं तब प्रोड्यूस होती है। कुछ बोलते हुए अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ लगाओ, कुछ बोलते हुए अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ लगाओ बोलते हुए। अब देखो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जो एक्सहेल्ड एयर है वो टकरा रही है या नहीं टकरा रही है? बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से, एक्सहेल्ड एयर टकरा रही है, निकल रही है ना एयर? ऑब्जर्व करके देखो, सभी लोग ऑब्जर्व करके, बात ऐसे ही मत मानो, ऑब्जर्व करके देखो सभी लोग, क्या एक्सहेल्ड एयर टकरा रही है? टकरा रही है। तो अपन क्या यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अपनी जो भी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो वॉइस सारी एक्सहेलेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, इनहेलेशन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होती। अब एक्सहेलेशन करते वक्त क्या होता है कि जो एक्सहेल्ड एयर है उस एक्सहेल्ड एयर, वो एक्सहेल्ड एयर इन मसल से टकराती है, वॉइस बॉक्स के अंदर क्या ये मसल्स लगे हुए हैं, इन मसल से टकराती है, उन मसल से टकराने की वजह से एक करेक्टरिस्टिक वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। बात समझ में आई? इसी वजह से इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। अच्छा डाइजेस्टिव वाला पार्ट अगर छोड़ दें अपन, अच्छा एक चीज यहाँ पे जो रह गई है वो चीज ये रह गई है कि ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर अपनी नेजल कैविटी ओपन हुई है, ये जो नेजल कैविटी ओपन हो रही है इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं भाई, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल नेयर है और अंदर की तरफ जहां अपना नेजल कैविटी यहां अपनी ओपन हुई है, फेरिंग्स में यहां पर अपनी नेजल कैविटी ओपन हो रही है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं भाई, इंटरनल नेयर्स। बात समझ में आई? एक बार पूरा शुरू से रिपीट कर रहा हूं, समझना। ठीक है, अपनी जो नॉस्टल्स होते हैं, अपने जो आगे के नाक के जो छेद होते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉस्टल्स या एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं अपन उनको। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल नेयर से अपने नेजल कैविटी की शुरुआत होती है। नेजल कैविटी अंदर जाकर के जहां ओपन होती है, अपनी बॉडी में अंदर जाकर के यहाँ ओपन होती है, उस जगह को अपन बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। अच्छा नेजल कैविटी ओरल कैविटी दोनों एक जगह आकर के ज्वाइन हो जाती हैं, उस जगह को अपन बोलते हैं भाई फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के तीन पार्ट हैं, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लैरिंजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग्स वो जगह है जहां पर नेजल कैविटी ओपन हुई है आकर के, ओरो फेरिंग्स वो जगह है जहां पर ओरल कैविटी ओपन हुई है आकर के फेरिंग्स में, और लैरिंजो फेरिंग्स वो जगह है यहाँ पर लैरिंग्स ओपन होते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, यहाँ पर लैरिंग्स ओपन हो रहे हैं फेरिंग्स में। लैरिंग्स क्या चीज है भाई? लैरिंग्स होता है अपना वॉइस बॉक्स। ठीक, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं भाई? ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लॉटिस की जो कवरिंग है उस कवरिंग को, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैग लाइक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किस काम आता है भाई? एपिग्लॉटिस जो है हम जब खाते हैं या कुछ पीते हैं, जब हम स्वेलो करते हैं चीजों को, निगलते वक्त वो उन चीजों वो क्या करता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है। और ग्लॉटिस के बंद होने की वजह से क्या होता है, जो भी हम खा रहे हैं जो भी हम पी रहे हैं वो हमारे ट्रैकिया में एंटर नहीं करता, हमारे विंड पाइप में एंटर नहीं करता। ठीक है, लैरिंग से शुरुआत होती है हमारे विंड पाइप की, जो विंड पाइप दोनों लंग्स में आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सबको बातें समझ में आई हैं, और अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बोलो जल्दी से। ये डायग्राम समझ में आ रहा है या दोबारा बना के बताऊं? डायग्राम की लेबलिंग वगैरह समझ में आ रही है क्या? एक काम करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो उसके लिए लैरिंग्स को अलग से मार्क कर देता हूं।
ठीक है ना, समझ जाओगे ना। बोलो भाई, देखो राइटिंग का तो ऐसा है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है कि भाई स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बोर्ड पे लिखना आसान होता है। ठीक है, पैलेट, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, युवला, युवला नहीं बोलते इसको, व्यूला बोलते हैं। व्यूला क्या करेगा भाई, ये अपनी नेजल कैविटी को ढकने का काम करता है, कवर्स द नेजल कैविटी। ठीक है, फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो ग्रीन कलर से बना देता हूं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, लैरिंजो फेरिंग्स। अभी समझ में आएगा तुमको, इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, लैरिंजो फेरिंग्स। ये डायग्राम तुम्हें बनाना है अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में ये डायग्राम नोट कर। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बोलो जल्दी से। नहीं है, नहीं है कोई डाउट? ओके, चलो फिर, अपना टाइम भी खत्म हो गया, अपने पास 8-10 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, सभी को बाय। सभी को बाय भाई।